प्रिय छात्रों, मैं विजय कुमार, एसएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.1, जिसे आप जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को बताने के बाद, जैसा कि इसमें हम कुछ पहले से ही लिख दिए हैं, देखिए इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स है, और ये आपका कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कासेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कासेक इनवर्स एक्स है। यही आपको केवल याद कर लेना है और इसमें आपको कुछ ज़्यादा हैरान नहीं होना है। ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं गणित में सूत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको सूत्र समझने से ज़्यादा आप कोशिश किया करें उस सूत्र को याद कर लें। आप समझ करके किसी चीज़ को आसानी से जान लेते हैं, और सवाल आपको अच्छी तरह से तब समझ में आएगी जब इस सूत्र को आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और देखिए नीचे हम कुछ लिख दिए हैं कोणों के मान रेडियन में। अब बात आई कि इसको हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके कुछ ऐसे भी मान आएंगे जिसमें आपको सारणी से अंश निकालेंगे, यानी सारणी से आप मान जो दिया गया होगा उसे आप सारणी से अंश में बदलेंगे, अंश को आपको रेडियन में बदल करके हल करना होगा। इसलिए हम पहले से ही लिख दिए हैं कुछ अंशों के मान रेडियन में। आप इसको आसानी से पहले आप याद कर लें, और याद करने के बाद आप सवाल समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की पहली सवाल, जैसे कि है आपकी प्रश्नावली 2.1 की पहली सवाल, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 की पहली सवाल है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए ये आपको जो दिया गया है, अगर हम एक नज़र डालें इस सूत्र में तो देखिए ये सूत्र आपका पहले जो दिया गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, आगे वो जो माइनस बीच में होता है, इसमें सभी माइनस है ना, तो इसमें जो माइनस दिया है साइन इनवर्स में तो ये टूट गया है, तो आपका जो तोड़ा गया है तो वो माइनस बाहर निकल आया है, उसके बाद साइन इनवर्स लगा करके वैसे एक्स रख दिया गया है। उसी तरह से हम भी कर लेंगे, ये माइनस है तो माइनस बाहर निकाल देंगे, उसके बाद 1/2 आगे रख लेंगे। तो उसके बाद देखिए इसमें उसमें माइनस था तो हम भी माइनस बाहर निकाल लेंगे, जैसे वो निकाला गया है तो हम भी क्या करेंगे, निकाल करके ये साइन इनवर्स उतार लेंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहीं से आपको क्या करना है, बहुत आसानी से आपको केवल देखना है और उसके बाद क्या है समझना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे केवल देखते चलिए बस। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर हम साइन इनवर्स लिख देते हैं, ये आपका साइन इनवर्स है, तो ये जो मान दिया गया होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, जो कुछ दिया गया होता है इसके राइट साइड जो मान दिया गया होता है, चाहे वो 1/2 हो, चाहे 1 हो या √3/2 हो, कुछ भी हो, तो जो भी मान दिया गया होता है यहाँ पर उसको आप सारणी से मान देख करके उस पर आप रख देंगे। अगर साइन इनवर्स में है तो साइन में देखेंगे, कॉस इनवर्स है तो कॉस में देखेंगे, टैन इनवर्स है तो टैन में देखेंगे, सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स में देखेंगे, और कासिक में है तो कासिक इनवर्स है तो कास में देखेंगे। तो ये साइन इनवर्स में है, इसलिए साइन इनवर्स साइन में देखेंगे कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन ये हमारा साइन 30 अंश का मान होता है, कितने का होता है 30 अंश का। अब देखिए ये अंश में है, आप इसको पुनः उतार लीजिए, उतारने के बाद आप क्या करें इसे आप रेडियन में बदल दें, साइन उतार करके आप 30 अंश है ना, तो देखिए उसमें लिखा है 30 अंश का मान कितना होता है, पाई बाई सिक्स, क्या होता है पाई बाई सिक्स।
अब बात है कि 30 अंश को हमको रेडियन में बदलना है, तो बहुत आसानी से हम लिख दिए। अब इसको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए नहीं याद है तब कैसे करेंगे, तो जो अंश में दिया गया होता है उसको आप क्या किया करें, उसे अंश को आप गुणा करा के पाई बाई 180 गुणा करा देंगे और सरल कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 × 3 = 18, तो इस तरह से पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये देखिए साइन इनवर्स है, ये साइन है तो आपका इनवर्स है, इधर इनवर्स नहीं है इस तरफ, तो आप जब कभी ऐसी कंडीशन हो, एक तरफ इनवर्स हो बगल में वही चीज हो लेकिन इनवर्स में ना हो, चाहे वो साइन इनवर्स हो तो साइन होना चाहिए, कास इनवर्स है तो कास होना चाहिए, टैन इनवर्स है तो टैन होना चाहिए, काट इनवर्स है तो काट होना चाहिए, अगर सेक इनवर्स है तो सेक होना चाहिए, अगर कासेक इनवर्स है तो कास होना चाहिए, कासेक होना चाहिए, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम कैंसिल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल होने के बाद ये आपका बच जाएगा पाई बाई 6, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन अब बात आई कि जी मुख्य मान जो आया है तो आपको ऐसे आसान ऐसे नहीं लिख देना है, ये देखना है कि जो हमारा पाई बाई 6 आया है, माइनस पाई बाई 6 आया है, ये हमारे साइन इनवर्स के शाखा परिसर में आता है कि नहीं। तो अब बात है कि शाखा परिसर कहाँ होता है, हम कैसे जानेंगे, तो आपके एक्सरसाइज जो दिया गया है प्रश्न नंबर 2.1 में, इसमें आपके पहले पेज पर ही आपको दिया गया है शाखा परिसर का मान। तो साइन इनवर्स का शाखा परिसर होता है, साइन इनवर्स का शाखा परिसर, शाखा परिसर इसका होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स का शाखा परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर आप कास इनवर्स का देखेंगे तो पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के, ये साइन इनवर्स का है, अगर कास इनवर्स का देखेंगे तो 0 से पाई होता है। तो इसी तरह से पहले पेज पर देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के, तो आपका शाखा परिसर हो जाएगा पता, तो उसे आपको याद कर लेना है। अब उसके बाद क्या है, उसी शाखा परिसर के बीच में देखना है कि ये जो साइन इनवर्स के निकाले हैं माइनस पाई बाई 6, ये हमारे इसके बीच में आता है कि नहीं, ये हम बगल थोड़ा से लिख देते हैं। अब देखेंगे कि ये हमारा रेडियन में है, अब इसको अंश में हम बगल बदल देंगे तो हमारा सवाल समझने में, ये जो हमारी रेडियन का मान है ये हम अंश में बदल देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो पाई का मान 180 होता है और नीचे कितना है 2 है, और इस तरफ कितना है, पाई का मान कितना 180 अंश, नीचे कितना लिख देंगे 2, और इसको आप सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, -90 डिग्री, ठीक है, और इस तरफ क्या है 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18 +90 डिग्री यानी +90 अंश आ जाएगा। अगर ये देखेंगे तो हमारा ये जो प्राप्त हुआ है ये कितना है, हमारा पाई बाई 6 है, इसको हम तोड़ेंगे, पाई का मान 180 रखेंगे और 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18, तो ये कितना आ जाएगा 30 अंश। अब बात आई कि इसको हम क्यों किए हैं, ये इसे हम इसलिए किए हैं जिससे क्या है कि आपको रेडियन से आप अंश में बदल लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपका रेडियन में शाखा परिसर होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो इसको अंश में बदले हैं तो -90 अंश आया और ये कितना आया +90 अंश। अब देखते हैं कि जो हमारा रेडियन में आया है इसका अंश में कितना होता है, -30 अंश, चूंकि पाई मान 180 रखे हैं, 6 से भाग देने पर ये आया, तो -30 अंश क्या इन इस अंश के बीच में आता है, चूंकि इधर -90 अंश है ये +90 अंश है, तो बिल्कुल इसके बीच में ही ये आता है -30 अंश, चूंकि -90 अंश जो है ये हमारे -30 अंश से छोटा है, संख्या तो बड़ी दिख रही है लेकिन माइनस में होने की वजह से ये है, इसलिए क्या है ये मान बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी मानी जाती है, छोट संख्या, माइनस वाली छोट संख्या से, तो ये क्या है इसका मतलब ये है -30 अंश हमारा इससे बड़ा है। अगर हम बड़े की ओर ले जाएं यानी ज़्यादा की ओर, धन की ओर, तो पहले हम जाएंगे अगर 10 के अंतर पर ले जाएं जिससे क्या है कि हमारे जल्दी आ जाए मान, तो -10 अंश, और हम बड़ा ले जाएं तो -90 अंश से हम 10 और बढ़ाएंगे यानी धन की ओर जाएंगे, तो पहले -80 अंश आएगा, फिर -70 अंश आएगा, फिर कितना आएगा -60 अंश आएगा, -50 अंश आएगा, -40 अंश आएगा, फिर -30 अंश आएगा, आया ना, फिर उसके बाद क्या आएगा -20 अंश आएगा, फिर -10 अंश आएगा, फिर धन की ओर जाएंगे फिर 0 आ जाएगा, फिर इसी तरह से हम 10 के अंतर पे और आगे बढ़ते जाएं धन की ओर, तो +10 अंश, +20 अंश, +30 अंश, +40 अंश, ऐसे हमारा कहां तक चला जाएगा 90 अंश तक जाएगा। तो ये हमारा -30 अंश इसके बीच में ही तो आया, तो इसका मतलब ये है -30 अंश जो है ये हमारे -90 अंश और +90 अंश के बीच में आ रहा है, तो इस तरह से हमारा जो -30 अंश जो है ये -30 अंश है
ये हमारा क्या है, ये शाखा परिसर के अंतर्गत आ रहा है ना, चूंकि अंश में आ रहा है तो उसका रेडियन में है, तो उसी तरह से इसका रेडियन भी शाखा परिसर के अंतर्गत आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस पाई बाई सिक्स जो है ये हमारा बिलोंग करता है किससे, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू से, तो ये हमारा बिलोंग करता है इससे, ये ना ये मान इसके बीच में आता है इसलिए बिलोंग करता है। आप इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, केवल आप समझ लेंगे, और आप चाहते हैं नहीं लिखना तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है आप थोड़ा लिख देते तो और अच्छी बात है। तो ये यानी आपका माइनस पाई बाई जो सिक्स है ये इसका मुख्य मान है चूंकि इससे संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये पहली सवाल है, आप इसी तरह से अन्य जितनी सवाल है आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये आपको सूत्र याद रखना है और इसके कोण के कुछ मान हैं जो रेडियन में आपको याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम आपको ले चलते हैं अगली सवाल में, आप देख लीजिए सवाल नंबर, जल्द से दूसरी सवाल आप देखिए, दूसरी सवाल आपकी है, आपकी सवाल नंबर दो, कॉस इनवर्स अंडर रूट थ्री बाई टू। अब देखिए थोड़ा इसमें हम जल्दी देख लेते हैं, चूंकि आप एक सवाल समझ रही हैं इसलिए दूसरी सवाल को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, थोड़ा सा हम जल्दी चलते हैं इसमें। कास इनवर्स, ये देखिए अंडर रूट थ्री बाई टू है ना, तो कास इनवर्स है तो कास में ही देखना है, तो कास कितने अंश का मान होता है अंडर रूट थ्री बाई टू, ये 30 अंश का मान है, कितने का, 30 अंश का। तो देखिए 30 अंश का मान आप रेडियन में एक बार बदल दिया करें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कास इनवर्स, कास 30 अंश है तो उसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। तो ये देखिए कास इनवर्स है, कास है ना, तो एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में नहीं होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई सिक्स, क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। अब ये हम आंसर लिख देंगे, लेकिन देखेंगे शाखा परिसर के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो ये कास इनवर्स में है इसलिए हम कास में देखेंगे। तो कास इनवर्स का जो शाखा परिसर होता है, शाखा परिसर क्या होता है इसका, तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2.1 के पहले पेज पर, पहले ही पेज पर, तो इसका कास इनवर्स का शाखा परिसर होगा 0 से पाई होता है, 0 से पाई, यानी आपका इसका अंश में अगर बदलें तो 0 से क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। तो ये इसके बीच में ये मान आता है कि नहीं, इसको भी आप अंश में बदल लें तो पाई का मान 180 होता है। अब उसके बाद नीचे आपका क्या है, 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 6 3 18, ठीक है, तो 30 अंश आया। तो ये हमारा 0 से 180 अंश के बीच में ये 30 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि ये 0 से आप ज़्यादा जाएंगे 180 से कम, तो आप इसके बीच में आता है ना, क्योंकि 0 से आप आगे की ओर जाएंगे तो आप देखिए जल्दी से हम पहुँच जाएँ, जिससे क्या है 10 के अंतर पर ले चले, तो 0 के बाद अगर हम जल्दी से आगे चलें 10 के अंतर पर ले चलें तो आपका 0 से क्या आ जाएगा, 10 आएगा, फिर प्लस 20 आएगा, फिर प्लस 30 अंश आएगा, फिर प्लस 40 अंश आएगा, फिर इसी तरह से आया ना 30 अंश भी आया। तो इस तरह से हम 10 के अंतर पर जाएंगे तो आगे की ओर जाएंगे तो 180 के बीच में, 180 अंश के ही बीच में तो आया, 0 से आगे जाएंगे 180 अंश के बीच में 30 अंश आया। तो इस तरह से ये मान जो हमारा रेडियन में है, ये हमारे पाई 0 से पाई के बीच में ही तो इसका संबंध है, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स जो है ये बिलोंग करता है ना हमारे शाखा परिसर से, तो ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई सिक्स हमारा क्या है, मुख्य मान है, ठीक है ना, क्योंकि क्या करता है ये हमारा बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है पाई बाई सिक्स हमारा, 0 पाई बाई सिक्स ये बिलोंग करता है 0 से पाई, इसलिए क्या है हमारा, अतः हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई सिक्स, यही हमारा क्या है आंसर है, यानी मुख्य मान है। इस तरह से आप अन्य सवाल जितनी है उसे आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, केवल सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। तो सवाल नंबर हम 3 ले चलते हैं आपको, एक्सरसाइज 2.1 की तीसरी सवाल आपकी है, कॉसेक इनवर्स 2। तो देखिए ये कॉसेक इनवर्स है, आप पहले से जानते ही हैं कि कॉसेक इनवर्स आगे उतार लेते हैं, तो कॉसेक इनवर्स है तो कॉस में ही देखना है कितने अंश का मान 2 है, तो ये हम कॉसेक में देखेंगे, ये हमारा कॉसेक कितने अंश का मान है, ये भी हमारे 30 अंश का मान है। तो ये कहाँ से देखा जाता है ये मान, हम कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक में देखेंगे और सारणी में देखेंगे कि कितने अंश का मान होता है, तो कॉसेक 30 अंश का है, तो ये आप अंश में है, इसको रेडियन में कितना होता है, ये आपका कॉसेक इनवर्स, ये है आपका कॉसेक 30 अंश का मान रेडियन में कितना होता है, पाई बाई सिक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो एक इनवर्स है और एक इनवर्स नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों पास में होना चाहिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इनटू में रहेगा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, पाई बाई
सिक्स, ठीक है ना। तो इसका भी आप शाखा परिसर देख लेंगे, उसी के अंतर्गत आता है तब तो हमारा मुख्यमान है, नहीं आता है तो मुख्यमान नहीं है, इसे तोड़ करके सरल कर लेंगे। तो ये हमारे शाखा परिसर के अंतर्गत आता है, आपको जैसे हम अन्य पिछले सवाल में हम बता चुके हैं, तो ये भी हमारा क्या आता है, शाखा परिसर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम ये आंसर, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके शाखा परिसर के अंतर्गत आता है तो समझ लेना है या बगल करके, और नहीं आता है तो आपको तोड़ देना है, अगर आता है तो आपको सीधे लिख देना है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको तीन नंबर भी सवाल आपको समझ में आ गए होगी, तीसरी भी आपको ले चलते हैं सवाल नंबर चार। सवाल नंबर चार भी जल्दी से देख लीजिए, जिससे क्या है आपको कम समय में जल्द से तैयारी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल देख लें, इसलिए आपको ले चल रहे हैं, और आपको थोड़ा जल्दी बताएंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा जो भी बताया जाए आपको समझ में आए। और देखिए सवाल नंबर चार है आपके टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 में है, आप देखेंगे। तो इस तरह देखिए माइनस है ना, इसमें टेन इनवर्स है और माइनस में एक्स, देखिए है ना माइनस में, तो हमारा भी माइनस में है, तो ये तोड़ा गया है तो क्या है, माइनस आगे आया है और टेन इनवर्स है फिर एक्स है, तो हम भी माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स, अब उसमें यक्स है तो हमारा क्या है अंडर रूट थ्री है, तो हम इसे उतार लेंगे, पुनः हम क्या कर लेंगे माइनस टेन इनवर्स ये है इसको उतार लेंगे। अब ये टेन इनवर्स जो है अंडर रूट थ्री है ना, तो ये जो मान होता है उसी में देखना होता है जो आपका दिया गया होता है, साइन इनवर्स था तो साइन में देखे थे, तो ये टेन इनवर्स है इसलिए हमारा टेन में देखेंगे सारणी में, तो टेन कितने अंश का मान होता है अंडर रूट थ्री, तो टेन 60 अंश का मान होता है, कितने अंश का, 10 60 अंश का मान, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है ये अंश है, तो अंश को हम किस में बदल देंगे, पहले रेडियन में बदल देंगे तब उसके बाद हम उतारेंगे, तो ये हमारा क्या है टेन 60 अंश का रेडियन में कितना होगा पाई बाई थ्री, कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो देखिए एक टेन इनवर्स है एक टेन है, तो ये एक इनवर्स है एक आपका इनवर्स नहीं है, बीच में इनटू होना चाहिए तब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा ये कैंसिल होने के बाद माइनस पाई बाई थ्री, क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस पाई बाई थ्री। अब यहीं पर हम लिख देंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि माइनस पाई बाई थ्री हमारे टेन इनवर्स के शाखा परिसर में आता है कि नहीं, तो एक बार इसको अभी हम बता दें कि ये शाखा परिसर इसका कितना होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस पाई बाई जो थ्री है इसका शाखा परिसर देख लेना है, किसका टेन इनवर्स में देखना है, तो टेन इनवर्स का शाखा परिसर परिसर क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पुनः आप जानते ही हैं कि इसको हम वही समझ लेंगे उसी तरह से, ये देखिए पाई का मान अगर 180 रखेंगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा तीन, और माइनस से उतार लीजिए तो ये भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा तीन छः 18 60 डिग्री यानी माइनस 60 डिग्री। अब इसको अंश में अगर बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा पाई का मान 180 हो जाएगा, अब ये क्या है नीचे टू है, अब उसके बाद माइनस लगा दीजिए ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री यानी माइनस 90 डिग्री, अब उसके बाद इससे भाग देंगे तो आपके क्या हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री यानी माइनस 90 अंश से प्लस 90 अंश के बीच में क्या हमारा माइनस 60 अंश आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि माइनस 60 अंश हमारे माइनस 90 अंश से बड़ा है। अब बात आई कि क्यों बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में ना होता तो ये हमारा छोटा होता, क्योंकि ये ऋण है, ठीक है ना, जो ज़्यादा कर्ज लिया होता है ऋण में होता है, जितना बड़ा होता है जितना ज़्यादा कर्ज लिया होता है उतना ही वो छोटा माना जाता है, तो इसके पास कम है तो इसलिए इससे ये बड़ा है। तो हम अगर माइनस 90 अंश को हम धन की ओर ले जाएंगे तो अगर 10 के अंतर पर धन की ओर तो देखें तो जल्दी हो जाए इसलिए हम 10 के अंतर पर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 90 अंश से अगर धन की ओर ले जाएंगे तो माइनस 80 अंश आएगा, फिर माइनस 70 अंश आएगा, फिर माइनस 60 अंश आएगा, फिर इसी तरह से हमारा क्या आ जाएगा माइनस 60 अंश आया ना, फिर माइनस 50 अंश आ जाएगा, फिर माइनस 40 अंश आएगा, माइनस 30 अंश आएगा, तो इसी तरह से फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो तक आ जाएगा, और फिर धन की ओर जाएंगे तो प्लस की ओर जाएंगे अगर 10 के अंतर पर, फिर प्लस 10 आएगा, प्लस 20 आएगा, प्लस 30 आएगा, फिर इसी तरह 90 तक जाएगा ना, तो माइनस 60 अंश माइनस 90 और प्लस 90 अंश के ही बीच में तो आया, तो इस तरह से हमारा इसके बीच में आया, तो ये हमारे शाखा परिसर रेडियन के बीच में ही आया, चूंकि ये अंश में है और उसका रेडियन हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तो ये अंश का जो रेडियन था माइनस पाई बाई थ्री था, तो इसका अंश में बदला गया, तो ये बदलने पर माइनस 60 अंश आया, और इसका जो हमारा रेडियन है उसका माइनस 90 अंश और प्लस 90 आया, तो ये माइनस 60 अंश इस अंश के बीच में आया, तो इसका मतलब है हमारा जो रेडियन है माइनस पाई बाई थ्री हमारे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि माइनस पाई बाई थ्री ये बिलोंग करता है किससे,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये बिलोंग करता है, तो ये संबंध रखता है, तो हम लिख सकते हैं अतः पाई बाई थ्री, यही हमारा क्या है, मुख्य मान है, यही क्या है, मुख्य मान है। अगर आपको पता है शाखा परिसर में ये संबंध रखता है तब तो ठीक है, तब आप वहीं पर लिख दिया करें, ठीक है ना। शाखा परिसर आपका एक्सरसाइज 2.1 के पहले पेज पर है, आप देख लेंगे, उसे देख ही नहीं बल्कि याद कर लेना है, और उससे पहले आपको सवाल हल करने से पहले ये सूत्र आपको समझ लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सरल से आप समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपको सभी सवाल आपको निरंतर आपको एक एक करके आपको मिलती रहेगी, और इस तरह से आपको ले चलते हैं अगले वीडियो में, आपके सवाल मिलेगी।